और काफ़ी हैंडसम टायर है, माइलेज के लिए बहुत बढ़िया टायर है ये। दिखने में भी ये टायर अट्रैक्टिव लग रहा है। ये MRF का मोग्रिप मोटर एम के नाम से जाना जाता है। ये ट्यूबलेस के साथ में लाइलून में आता है। आप देख सकते हैं इसका पैटर्न, बहुत बढ़िया पैटर्न है इसका। हेलो फ्रेंड्स, आज हम वीडियो बनाने वाले हैं स्कूटी के टायर को लेकर। आप तो जानते ही हैं हमारा जितना सारा वीडियो है सब MRF कंपनी का टायर के लेकर है। आज हम जानेंगे इंडिया में नंबर वन कौन सा कंपनी है टायर के सेगमेंट में, और आपके स्कूटी के लिए कौन सा टायर बढ़िया होगा वो भी हम जानेंगे इस वीडियो पर। सबसे पहले जो MRF कंपनी का जो टायर आता था जो स्कूटर में आता था, इसी बीच में पहले स्कूटर में टायर आता था, लेकिन अभी जो न्यू स्कूटी जो आया है उसी हिसाब से वो टायर को थोड़ा मॉडिफाई करके ट्यूबलेस में इसे बनाया है कंपनी ने। ये टायर MRF का टायर है जो लाइलोग्रिप FE के नाम से जाना जाता है। इसका साइज है 90-110। इसमें आप यार प्रेशर रख सकते हैं 36 के आसपास। तो चलिए आपको हम दूसरा टायर दिखाते हैं। उसके बाद कंपनी ये टायर को लॉन्च किया था जो काफ़ी फेमस है और माइलेज के नाम से जाना जाता है ये टायर, और उसके साथ ये जाफर बीट का टायर है। और आप तो जानते ही होंगे जितना सारा मैकेनिक है सारा मैकेनिक का ये चॉइसफुल टायर है। इसका साइज भी सेम ही है 90-110, और ये MRF का लाइलोग्रिप जाफर के नाम से जाना जाता है। आप देख सकते हैं इसका पैटर्न, बहुत बढ़िया पैटर्न है। ये टायर भी आपको ट्यूबलेस में मिल जाएगा, उसके साथ आपको लाइलून में आता है ये टायर। इस टायर का आप स्कूटी में लगाना चाहते हैं तो आपको लगभग 1250 के आसपास खर्चा करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट टायर दिखाते हैं। नेक्स्ट है ये जो कंपनी 3 नंबर में इसे लॉन्च किया था। इसको लॉन्च किया काफ़ी टाइम हो चुका है। ये टायर एक्चुअली ऑफ रोडिंग के लिए है, जैसे कीचड़ हो गया, गड्ढा हो गया, पहाड़ी रास्ता हो गया, ये टायर इस रास्ते में आपको बेहतर रिजल्ट देगा। ये MRF का मोग्रिप मोटर एम के नाम से जाना जाता है। ये ट्यूबलेस के साथ में लाइलून में आता है। आप देख सकते हैं इसका पैटर्न, बहुत बढ़िया पैटर्न है इसका। ये टायर भी आपको 90-110 के साइज में मिल जाएगा। इसको लेने के लिए आपको 1400 खर्चा करना पड़ेगा। आपको हम नेक्स्ट टायर दिखाते हैं जो लास्ट और आखिरी लॉन्च किया है कंपनी ने, जो काफ़ी ज़्यादा दिन नहीं हुआ है और काफ़ी हैंडसम टायर है, माइलेज के लिए बहुत बढ़िया टायर है ये। दिखने में भी ये टायर अट्रैक्टिव लग रहा है। तो इसमें आप यार प्रेशर रख सकते हैं 36 के आसपास, और इसमें आप लोड क्षमता ले सकते हैं 206 kg के आसपास जो कंपनी रखने को कहता है। और ये टायर ट्यूबलेस के साथ में लाइलून में आता है। ये टायर स्कूटी के पीछे के रिंग में लग जाएगा, और ये टायर भी MRF कंपनी का है जो जाफर C1 के नाम से जाना जाता है। आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया टायर है, और ये टायर भी आपको ट्यूबलेस में मिल जाएगा। इसके लिए आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा 1300 रुपये के आसपास। बहुत अच्छा टायर है, और आपको हम दिखाते हैं जो इंडिया में नंबर वन कौन सा कंपनी है। आपको गूगल में सर्च करके हम दिखाते हैं। निकालो अपना मोबाइल और आप लोग भी गूगल में सर्च कीजिए, हम भी सर्च कर रहे हैं। इंडिया नंबर वन ब्रांड टायर, देखिए आप इसमें क्लिक करिए। देख सकते हैं नंबर वन में MRF है, उसके बाद में अपोलो कंपनी है, उसके बाद में ब्रिजस्टोन कंपनी है, उसके बाद 4 नंबर में C8 कंपनी है, उसके बाद गुडियर कंपनी है, उसके बाद TVS कंपनी है, और भी बाकी सारे नीचे में है, आप खुद से देख लीजिए। तो आप तो देख ही चुके हो ऑनलाइन में रिजल्ट जो गूगल कहता है, और विश्वास नहीं होता है तो आप अपने मोबाइल में सर्च करके देख लीजिए। ये था आज का टॉपिक। वीडियो को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो में आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और छोटा सा लाइक ज़रूर कीजिएगा। और तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।